वेलकम फ्रेंड्स, उड़ान एजुकेशन हब के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं माफ़ी चाहूँगा आपको कि जो ये सीरीज़ थी वो रेगुलर नहीं कर पाने के लिए, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि आगे से आपको जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपको रेगुलर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करके हम शुरू कर लेते हैं हमारा थर्ड टेस्ट। देखिए, बात करेंगे यहाँ पे जो लेट हर गोविंद सिंह खुराना जी है, इनको यहाँ पे एक नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, 1968 के अंदर। तो पूछा गया है किस काम के लिए उनको यहाँ पे मिला था। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पे एक खोज की थी किससे रिलेटेड। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड किस चीज़ का, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए एक जेनेटिक कोड यहाँ पे डिस्कवर किया था, जिसके लिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ द रेड ब्लड सेल कार्प सेल, यानी कि जो रेड ब्लड कार्प सेल है उसकी औसतन जीवन काल कितना है, यानी कि टेन्यूर, यानी कि टाइम कितना है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 100 to 120 days, यानी कि हम यहाँ पे 20 to 120 days भी लिख सकते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम रहेगा वो कितना है, 120 days। और अगर हम बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सब में से अगर सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पे आरबीसी का है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी डब्ल्यूबीसी की, तो 5 to 7 days हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे किसकी, सॉरी, यहाँ पे इनके हो जाएगा 3 to 5 days, 3 to 5 days। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स का हो जाएगा हमारा 5 to 7 days। ठीक है, ये मैक्सिमम टेन्यूर रहेगा किसका, इनका आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। चलिए आगे बात करते हैं। डैप 1 इम्यूनोथेरेपी इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज, यानी कि यहाँ पे जो डैप्स है इम्यूनोथेरेपी, ये इनमें से किस बीमारी से संबंधित है, तो वो है यहाँ पे लेप्रेसी से, यानी कि कुष्ठ रोग से। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज प्रिंट, यानी कि प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शंस इज नॉन वेटिंग टेबलेट्स टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे जो ये टेक्नोलॉजी है प्रिंट, वो किससे रिलेटेड है या फिर किसके बारे में बताया गया है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है जो वो, यानी कि ब्लड जो सिंथेसिस करवाया जाता है उससे, यानी कि एक आर्टिफिशियल ब्लड जो बनाने की जो प्रोसेस चल रही है उससे रिलेटेड जो ये थेरेपी है जिसका सिंथेसिस करवाया जाता है। ठीक है, तो ये उसी को यहाँ पे बोला गया है प्रिंट के नाम से। क्लियर है, आगे बात करते हैं। द वैक्सीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1978, यानी कि 1978 के अंदर भारत सरकार के द्वारा की गई एक टीकाकरण कार्यक्रम के अंदर विस्तारित कार्यक्रम में से कौन सी बीमारियों की टीका शामिल नहीं थी। तो देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी शामिल नहीं थी, तो वो मीजल शामिल नहीं थी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्योंकि देखिए, 1978 के अंदर यहाँ पे हर प्रकार के टीका जो है वो खोज लिए गए थे, मोस्टली खोज लिए गए थे, और यहाँ पे जो बच्चे थे और जो प्रेग्नेंट फीमेल थी उनको ये टीकाकरण की जो सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती थी। जिस तरीके से हम बात करें डिप्थीरिया हो गया, या फिर पेट्यूटिस हो गया, या टेटनस हो गया, या फिर पोलियो वगैरह हो गया, इन सब के, या फिर हम तपेदिक की बात करें, ठीक है, इन सब के जो है यहाँ पे टीका जो है 1978 तक जो है खोज लिए गए थे, लेकिन अभी तक जो मिसल्स है उसका यहाँ पे नहीं खोजा गया था। और इसकी खोज हुई थी 1985 to 1986, तब जा करके। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। द टर्म साइबर नाइफ इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग, यानी कि सबसे किसके करीब यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जो यहाँ पे साइबर नाइफ जो शब्द है, तो ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब कैंसर से ग्रसित जो भी लोग होते हैं उनकी सर्जरी के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसका क्या है यूज़ किया जाता है या फिर नाम लिया जाता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, कैंसर सर्जरी। आगे बात करते हैं। देखिए, डिपोजिशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इन द जॉइंट्स काजिंग इन्फ्लेमेशंस इज रीजन ऑफ गोइट ऑन द फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों के अंदर जो एक प्रकार का यहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे, यानी कि जिसके कारण सूजन हो जाती है और जिसके कारण यहाँ पे गठिया हो जाता है, तो गठिया के रूपों में से ये कौन सा यहाँ पे रोग है। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा यहाँ पे यूरिक एसिड की वजह से, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए, जो गठिया है वो अगर हम देखें तो जो यूरिया
है यहाँ पे यूरिक एसिड, यानी कि क्रिस्टल के एक जमाव के कारण यहाँ पे इसके अंदर जिससे कि जो सूजन है वो आ जाती है। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो एक जगह क्या है इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण एक यहाँ पे मोटी गांठ हो जाती है, जिसको हम यहाँ पे गठिया का एक असामान्य रूप भी कह सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, पहले तो सिर्फ ये एक ही जोड़ के अंदर दर्द होगा और सूजन आएगी, फिर धीरे धीरे क्या है ये फैलने का काम करेगा, फिर बॉडी के अंदर जितने भी ज्वाइंट्स हैं उन सब के अंदर क्या है पेन करने लग जाएगा ये, और वहाँ पे सूजन भी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। द फिनोमिना इन विच सीड्स जर्मिनेट्स एंड सीडिंग ग्रो वाइल स्टिल अटैच टू देयर मदर प्लांट बिफोर ड्रॉपिंग डाउन टू एस्टॉब्लिश देमसेल्व्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट एल्सवेयर इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स। यानी कि जिस घटना से बीज अंकुरित हो जाते हैं और रोपण तब भी बढ़ते हैं, तब वे खुद स्थापित करने के लिए कहीं और ले जाया जाने या फिर अपनी माँ के जो पौधे हैं उनसे जुड़े होते हैं। और आमतौर पर हम देखते हैं कि पौधों में से कौन सा पाया जाता है जो यानी कि मदर के साथ में जो मोस्टली अटैच रहते हैं, तो वो होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, रिजोफोरा। ठीक है, और ये क्या है, ये एक तरीके का क्या है एक साइंटिफिक नाम है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें अगर ऑनियन की तो ऑनियन को हम यहाँ पे बोलते हैं एलियम सेपा। ठीक है, अगर मैं आलू की बात करूँ तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे सोलनम ट्यूबर रोसम। ठीक है, ये इनके यहाँ पे नाम रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी क्या है एक नाम है जो कि क्या है साइंटिफिक नेम है। ठीक है, आगे देखिए। द हॉर्मोनल एक्टिविटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वे आर डिस्कवर्ड वाइल स्टडिंग फुली सीडिंग डिजीज इन राइस। यानी कि चावल के अंदर जो मूर्ख बीजिंग बीमारी का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से किस पदार्थ की हॉर्मोनल गतिविधियों की खोज की गई थी, तो वो की गई थी यहाँ पे जिबरनलिन की। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा जो टेस्ट 3 है वो खत्म होता है, और मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी आपके लिए बायोलॉजी का टेस्ट 4 लेकर के आ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।